बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक पाकिस्तानी लड़की है जी, इनकी तरफ से मेरे साथ थोड़ा कांटेक्ट में, ये पिछले वीडियो के नीचे लोगों ने इनकी तरफ से कमेंट किया गया था, और एक भाई है पाकिस्तानी, उनकी तरफ से भी एक कमेंट किया गया। किस चीज़ के ऊपर कमेंट किया गया, और जो आप हजरात सऊदीया में बैठे हुए हैं, आपके लिए भी इस वीडियो में कुछ पॉइंट आने वाले हैं जी, आपको इंशाल्लाह ताला इससे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। खासकर वो जिनके इकामे वगैरह एक्सपायर हैं, हरूब है, मदरूब है, या आप खरूज हाई के तौर पर ही क्यों नहीं आना चाहते हैं। जो इस पाकिस्तानी लड़की की तरफ से कमेंट किया गया, इसके मुतालिक आपको पहले बताता हूँ, फिर वो भाई की तरफ से क्या कहा गया और इसके इनका मसला क्या था ये क्लियर करूँगा इस वीडियो में। पहले मैं इसके मुतालिक वीडियो बना चुका हूँ। इसी खातून जो ये मुझे, अभी मैं इनका नाम यहाँ पर जाहिर नहीं करना चाहता, आपको बताया जी, तो बहरहाल इन्हीं की तरफ से एक मुझे कमेंट किया गया था कि मेरे जो खावंद हैं, हस्बैंड हैं, मियाँ हैं जी, वो सऊदीया में कैद हैं, उनको एक माह औजुला हो चुका है, तो अभी तक वो पाकिस्तान में नहीं पहुंचे हैं, तो इसके मतलब मुझे बता दें। तो मैंने उस टाइम एक वीडियो शेयर की थी, और उसके बाद फिर अभी इनकी तरफ से दो चार दिन पहले से मुझे रिप्लाई आ रही हैं कि वो, मैं उस टाइम वीडियो में तमाम सारी चीज़ें क्लियर कर चुका था कि इकामा वगैरह, यानी कि सिंपल लफाज में इकामा वगैरह अगर एक्सपायर हुआ तो वो आ जाएंगे, कुछ दिनों में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जद्दा से अगर कोई पकड़ा जाता है तो शमेसी वगैरह से 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं जी, और मेरे दो दोस्त एक जेल के थ्रू और एक सफारा के थ्रू आ चुके हैं, दोनों के मतलब मैं लाइव उनको साथ बिठाकर वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, इंशाल्लाह ताला कल रात को हो सकता है आपके साथ शेयर कर दूँ मैं। तो बहरहाल बात क्या है जी, पहले मैंने ये क्लियर की कि एक माह ऐसे लग जाता है, ये भी आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप किसी और शहर में पकड़े जाते हैं तो उस शहर में आपको 10-15 दिन रखा जाता है, उसके बाद आपको जद्दा या रियाज जो करीब है वहाँ पर आपको भेजा जाता है, वहाँ की जेल में आपको 10-15 दिन लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका सफारा आता है, यानी कि पाकिस्तानी सफारा वाले आते हैं। यार मुकम्मल तफसील आप वो वीडियो मेरी कल वाली देखेंगे ना, तो उसमें आपको कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जेल के क्या हालात हैं, सफारा वगैरह जो भी है, वो दो हैं जी, एक सफारा है, यानी जेल के थ्रू आए हैं, आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन उसमें मिलेगी। तो अभी इस जो लड़की पाकिस्तानी है जी, इनकी तरफ से ये एक मिनट मुझे आया जी कि अभी 2 माह हो चले हैं, कफील ने इनकी तरफ से, जाहिर सी बात है वहाँ से आप इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने घर में कैसे, ये भी क्लियर कर दूँ। वहाँ पर अक्सर भाई बंगाली या कुछ और कंट्री के छोटा मोबाइल लेकर घूमते हैं, 5 रन लेते हैं एक मिनट के, वो तो आप इन्फॉर्म करते हैं घर में, अपने हाल चाल पूछ लेते हैं, बता देते हैं मैं यहाँ पर हूँ, ये मसला है, ये सूरत सामने आ रही है। तो इनके जो खामद हैं वो इनको बताते होंगे, इनकी तरफ से मुझे अभी ये कहा गया है कि उनका हरूब था या मतरूब थे जो भी थे, यानी कि कफील ने उनके ऊपर केस किया हुआ था, अभी केस के पैसे भी क्लियर कर दिए, यानी कि केस फाइनल हो चुका है, कफील के साथ जो उनके मुज़ाकरात वगैरह थे या जो भी उसके भाई कफील के मुज़ाकरात थे वो क्लियर हो चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक वो पाकिस्तान में नहीं आए हैं, ठीक है जी। तो ये वो बोल रहे थे, ये आज से 10-15 दिन पहले की बात है, तो अभी 10-15 दिन ऊपर हो गए हैं, फिर भी पाकिस्तान में नहीं आए हैं। इसके मतलब ये है जी, या तो उनके कफील के साथ मामला क्लियर नहीं हुए हैं, ठीक है जी, यानी कि कफील ने साइन वगैरह नहीं किए हैं, अपना जो भी केस वगैरह उनके ऊपर रियाल वगैरह का जो भी किया हुआ था उसको क्लियर नहीं किया, ये वजह हो सकती है। अगर वाकया ही ऐसा हो चुका है, यानी कि क्लियर हो चुका है सब चीज़ें, तो फिर ये है जी उनके ऊपर कोई ग्रामे होंगे, यानी कि जुर्माने होंगे उनके ऊपर, कोई भी किसी किस्म के वो बोल रखे होंगे ये पे करो या वरना इतनी सजा काटो फिर चले जाना। अगर ये भी मसला नहीं है तो फिर डेफिनेटली बात है कि या तो वो पहुँच चुके होंगे जब मेरी आप वीडियो देख रखी हैं जी, या फिर 2-4 दिन वेट करने में पहुँचने वाले हैं। अगर ऐसा मसला नहीं है तो फिर वो पहुंचने वाले हैं, ये क्लियर बात है। और दूसरा जो भाई मुझे पाकिस्तान से कमेंट कर रहा था वो ये है जी, वो भी अगर जो सऊदी में बैठे हुए भाई हैं जी, अगर आप पकड़े जाते हैं खुदा ना खास्ता, तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाली मैं बोल रहा हूँ, जेल में जो भी होता है। तो दूसरा एक दोस्त है जी, वो कमेंट कर रहा था कि मेरे वाल साहब हैं जी, वो गिरफ्तार हुए और उनके साथ 4 बंदे और थे, वो चारों डिपोर्ट हो चुके हैं जी, और मेरे वाल साहब अभी तक डिपोर्ट नहीं हुए हैं। तो आपके वाल साहब के ऊपर भी कोई ना किसी किस्म का भाई केस ना हो, उनसे पूछ लें, या कोई भी किसी किस्म के जुर्माने ना बाकी हो उनके ऊपर, गाड़ी वगैरह के या किसी और चीज़ के, जब तक वो पे नहीं होंगे उनको भाई डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, ये क्लियर कर दूँ। हाँ अगर ऐसा कोई मसला नहीं है तो फिर 2-4 दिन का आगे पीछे हो जाता है, पासपोर्ट वगैरह के मुतल भी होता है, पासपोर्ट आपके पास है या नहीं है इस चीज़ के ऊपर भी, ये चीज़ भी काबिल गौर है। और इसके अलावा जहाज़ों के हिसाब से वो बंदे भेजते हैं, जब उनको दिखाई देता है वो ऐसी फ्लाइट है जिसमें हमारे पास अजाफी सीटें हैं, तो उसमें ऐसे बंदों को निकाल कर वो बिठा देते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर कोई भी किसी किस्म का केस नहीं है तो इंशाल्लाह ताला आपके वाल साहब भी जल्द आ जाए।